अपने मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए अब पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भारत के उदाहरण देना शुरू कर दिया है। इमरान खान को लगता है कि भारत की नकल करके वे भी पाकिस्तान की नैया किनारे तक लगा सकते हैं। विदेशी मुद्रा की भारी तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को उबारने के लिए उन्होंने कल अपने तैमंदबाजों को भारत का उदाहरण दिया है। इमरान लोंडे का कहना है कि विदेशों में रह रहे पाकिस्तानियों को प्रवासी भारतीयों से सीख लेनी चाहिए जिन्होंने अपनी मातृभूमि में बहुत ज्यादा निवेश किया है। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तानियों को भी अपने मुल्क में निवेश करना चाहिए। जिस तरह भारतीय प्रवासियों ने अपने देश की अर्थव्यवस्था मजबूत की है, पाकिस्तानी प्रवासियों को भी उसका अनुसरण करना चाहिए। पर जरा यहां विदेशों में रह रहे भारतों की देशभक्ति का एक उदाहरण भी पाकिस्तान को देख लेना चाहिए। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में भारत की विदेशी मुद्रा प्राप्ति दुनिया में सबसे अधिक 79 अरब डॉलर रही है। यह चीन से भी कहीं अधिक है। चीन को कुल 67 अरब डॉलर आए हैं, जबकि इस मामले में मैक्सिको 36 अरब डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर है। इसके मुकाबले पाकिस्तान को वर्ष 2018 में 6 अरब डॉलर के भी लाले पड़ गए। पाकिस्तान में उसके प्रवासियों द्वारा भेजे जाने वाले धन में गिरावट आई है, जबकि बांग्लादेश जैसे मुस्लिम मुल्क में उसके प्रवासियों द्वारा भेजे गए धन में 15% की वृद्धि दर्ज की गई। अब पाकिस्तान के पीएम ने बोला तो जरूर है, पर सवाल है कि विदेशों में रह रहे 90% पाकिस्तानी होमलेस हैं, जो न्यूयॉर्क और यूके की सड़कों पर कनस्तर उठाए घूम रहे हैं। जो धन्ना सेठ है वह बड़ी बड़ी जिहादी तंजीमों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान के इस्लाम के तैमंद सुरक्षित रह सके। विगत एक साल के भीतर पाकिस्तान में आए 6 अरब डॉलर भी उन भिखारियों ने भेजे हैं जिन्होंने इमरान की भीख मांगने वाली नीति पर भाईचारे पर सहानुभूति दिखाई है। पाकिस्तान से निकलकर विदेशों को जाने वाले पाकिस्तानी बिजनेसमैन नहीं बनते, वे या तो प्रवासी भारतीयों की गाड़ियों पर पोछा मारते हैं या कनस्तर उठाकर सड़कों पर किसी कोने में पड़ जाते हैं। जबकि इस फंटर मुल्क के मुकाबले भारत प्रवासी दुनिया में अपने हुनर से धाक जमा रहे हैं। गूगल समेत दुनिया की 10 बड़ी कंपनियों के सीईओ पद पर भारतीयों का कब्जा है, जिनमें अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोवर्टिस, मास्टर कार्ड, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, रैकेट बैकेजर, पालो अल्टो नेटवर्क्स, नोकिया प्रमुख कंपनियां हैं। इसका मतलब पाकिस्तान को इस तरीके से समझना चाहिए कि ये मदरसे में सिर पटक कर इतने ऊंचे पदों तक नहीं पहुंचे हैं, बल्कि इन्होंने भारतीय संस्कृति और पद्धति का अनुसरण करके यह मुकाम हासिल किया है। पाकिस्तान का काम उस्मान कसाब जैसे लोगों का उत्पादन करना है, उसे डॉलर नहीं बस उनकी विदेशों से आने वाली लाशों के बही खाते तैयार करने चाहिए। अगस्त 2018 में सत्ता संभालने के बाद इमरान खान ने डैम के नाम पर विदेशों में बसे पाकिस्तानियों से चंदा मांगा था, जिसको लेकर खूब ढोलता से बजाए गए, पर कुछ 100 करोड़ पाकिस्तानी रुपए भी पाकिस्तान के खजाने में नहीं आए। यह इस बात का संकेत है कि भिखारी कितना भी स्टैंडर्ड का बाना धारण कर ले, उसकी औकात भिखारी की ही रहती है। पाक का यह लोंडा भी रोज रोज भीख मांगकर अपनी मदरसा पद्धति का अनुसरण ही कर रहा है। इसे लगता है कि जिस तरह भारतीय प्रवासियों ने अपने देश के प्रति विशाल हृदय का परिचय दिया है, वही नीति अपनाकर उसका फायदा पाकिस्तान भी उठा सकता है। पर महीने में 1000 डॉलर से भी कम कमाने वाले पाकिस्तानी अपना पेट भरे या फिर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को उबारे। पाकिस्तान में पैसा तभी आएगा जब यहां से निकले लोग बड़े व्यापारी या कंपनियों में ऊंचे पदों पर काबिज होंगे। रियाज मलिक जैसे साहूकार जो लंदन में हजारों करोड़ पाउंड की संपत्ति अर्जित किए बैठे हैं, वह सब उन्होंने ब्रिटेन में नहीं कमाई है, बल्कि यह सब पाकिस्तान से ही लूटकर विदेशों में स्थानांतरित की गई है। ऐसे लोग यहां से लूटा पैसा यहां क्यों भेजेंगे? अगर उन्हें अपने मुल्क कितनी फिक्र होती तो वह इसे लूटते ही क्यों, और फिर उस लूट का मजा यूके को क्यों लेने देते? इमरान खान द्वारा की जाने वाली रोज रोज की नित बकवास केवल भाषणबाजी तक सीमित रह गई है। ये पीएम हर रोज नया विचार लाता है। वैसे भी इसके पास दो ही धंधे बचे हैं, एक विपक्षी दलों की बैंड बजाना, दूसरी रात भर एक नई धुन तैयार करके अगले दिन पाकिस्तान के सामने गुनगुनाना। कभी भारत को सबक सिखाने के नाम पर, तो कभी भारत से सबक लेने की
सलाह देकर। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।